हेलो दोस्तों, तो वीडियो की स्टार्टिंग देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। पिछली वीडियो में दोस्तों कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप इसके बारे में बताइए कि लोहे के जो पाइप होते हैं या पत्ती होती है उसमें जो सुराख करते हैं वो किस तरह करते हैं, क्या उसकी मशीन होती है। तो ये जो ये आप देख रहे हैं ये मशीन है, इसको बर्मा बोलते हैं हम, और इस पे 2 हॉर्स पावर की मोटर ये लगी हुई है। इसी के साथ लोहे की जो पत्ती या सुरा जो पाइप होता है उसी में होल किया जाता है। और वैसे तो ये छोटा है मशीन, इसमें और ये आपके सामने पत्ती है, ये लगभग 5 mm की मोटी है और जो बिट की मोटाई है वो भी 5 mm का है। और मेन तो ये है इसमें कि बिट में की जो धार है जो तिक्खा बने आगे वो होना चाहिए, नहीं तो बिट होल नहीं करेगा और ये गर्म होके आगे से मुड़ जाएगा। तो सिंपल तरीका है इसका, कोई ऐसी इसमें प्रोसेस का काम नहीं है। आपके सामने है ये चल रहा है बर्मा। अब इसके बाद पाइप है, ये पाइप की तो आपको पता ही है कि पाइप की गेज होती है जो बहुत कम होती है, इसमें से तो आसानी से निकल जाएगा। पत्ती होती है जो पत्ती मोटाई ज़्यादा होती है इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पाइप तो हल्का होता है। थोड़ी ड्रिल दफा होती है, जो ऊपर तक सारी दिखाई, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ही बिट को टाइट किया जाता है चाबी के साथ, इसको टाइट करके अभी सुराख लगता है। और ये हैंडल है, इसके साथ ही इसको दबाया जाता है बंद को अभी सुराख लगता है। और अब ये दुनिया तो जो 5 mm का बिट है इसको निकाल के इसकी जगह 15 mm का बिट चेंज कर रहे हैं हम। तो अब जो देखेंगे आप 15 mm के बिट के साथ हम सुराख करेंगे इसमें। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह लोहे में सुराख किया जाता है। थोड़ी के साथ भी हम इसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं। ये जो चाबी है जिसके ऊपर चोट लगाई जा रही है, ये चाबी है और इसको थोड़ी के साथ चोट मार के इसको थोड़ा टाइट किया जाता है, नहीं तो ये निकल जाएगा। पानी का यूज़ किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है ताकि जो बिट है वो गर्म हो के आगे से ना मिले, तो पानी यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको पता है मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं अलग अलग दोस्ती करते हैं इसमें, मैं जैसे कि गेट कैसे बनाया जाता है या सेट के बारे में मैं वीडियो डालता हूँ। तो आप अगर आप जानना चाहते हो इनके बारे में तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके। और आप दोस्तों आप वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्रोसेस होती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है और सब्सक्राइब कर बढ़ने के साथ और हम आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे आगे। दोस्तों आप वीडियो को देखिए और मैं अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए।
कर लेते हो लगा।